हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं GDS का जब फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा लैंग्वेज की ज़रूरत होता है। जब फॉर्म भरने वक्त लैंग्वेज सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम रहता है कि आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से फॉर्म भरना है, तो इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाता है। और इसी की वजह से देखते हैं लैंग्वेज, अगर लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहता है जिस डिवीज़न से भरता है या फिर जिस सर्कल से भरता है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका रिजेक्शन हो जाता है। और मैक्सिमम लोग का रिजेक्शन इसी की वजह से होता है कि वो टेंथ में वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहता है जहाँ से भी वो फॉर्म भरता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट जो आप लगाते हैं वो मैच नहीं करता, इसके वजह से रिजेक्शन होता है। दूसरा ये है कि आपका लोकल लैंग्वेज उधर से मिलता नहीं है, उस डिवीज़न से या उस सर्कल से, जिसके वजह से आपका रिजेक्शन होता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे लोकल लैंग्वेज कौन कौन सा है। ठीक है, कहाँ का कौन सर्कल, तो कौन सर्कल का कौन सा लैंग्वेज है, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको साइकिल 6 का जो फॉर्म आ रहा है उसमें आपको फॉर्म भरने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर जो आया था, उसमें ये बताया गया था कि कौन कौन सा लैंग्वेज चाहिए, डिपार्टमेंट कौन सा लैंग्वेज चाहता है। ठीक है, टेंथ लैंग्वेज में कैंडिडेट के पास कौन सा लैंग्वेज रहना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, डिपार्टमेंट में 23 सर्कल है, 23 सर्कल है पोस्टल डिपार्टमेंट में 23 सर्कल है, और उस सर्कल का अलग अलग लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज आपका टेंथ में रहना चाहिए, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकंड लैंग्वेज हो। ठीक है, कोई कोई क्या करता है, लैंग्वेज बिना चेक किए कहीं से भर देता है, फिर रिजेक्शन होता है, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। आज आपको जान लेना चाहिए कि कौन कौन लैंग्वेज है, न्यू कैंडिडेट को हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास 23 सर्कल है, 23 सर्कल में पहला देखिए आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और यनम में तेलुगु चलते हैं। ठीक है, असम में 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके बरक वैली एंड बोडोलैंड टेरिस्टल काउंसिल एरिया को छोड़ करके वहाँ पे असमिस चलता है, बरक में बंगाली चलता है, बोडो चलता है। ठीक है, बोडो टेरिस्टल एरिया में बोडो चलता है, बिहार में हिंदी चलता है जो कि सबको पता है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी चलता है जो कि सबको पता है, दिल्ली में भी हिंदी चलता है क्योंकि गुजरात में गुजराती चलता है, गुजरात दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, ठीक है, इसमें गुजराती चलता है, ये सारा एरिया गुजरात के अंडर आता है, यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज चलता है। फिर हरियाणा में हिंदी चलता है जो कि बहुत लोग को कन्फ्यूजिंग करता है कि हरियाणा में कौन सा लैंग्वेज चलता है, तो हिंदी चलता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हिंदी चलता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर सर्कल में उर्दू एंड हिंदी चलता है, उर्दू भी चलता है या हिंदी भी चलता है। ठीक है, आपका टेंथ में उर्दू या हिंदी पढ़ा हुआ रहना चाहिए। झारखंड में हिंदी चलता है, सबको पता है ये चीज़। कर्नाटका में कनाडा चलता है, ठीक है, कनाडा कर्नाटकी लोग, वो लोग कर्नाटक का लोग ये सब जानता होगा, कनाडा चलता है, लेकिन बाहरी लोग जैसे नॉर्थ का लोग है ये लोग नहीं जानता है, वो लोग को भरना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग पढ़ा नहीं रहता है, जो पढ़ा है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। केरला का अंडर आता है, केरला लक्षद्वीप, ठीक है, इसमें मलयालम चलता है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, केरला में मलयालम चलता है। उसके मध्य प्रदेश में हिंदी चलता है जो कि सबको पता है। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी चलता है, और महाराष्ट्र के अंडर ही गोवा आता है तो वहाँ पे कोंकणी चलता है, कोंकणी, ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग चीज़ है, महाराष्ट्र में मराठी चलता है और गोवा के अंडर जो है वो कोंकणी चलता है, तो ये महाराष्ट्र सर्कल के ही अंडर दो चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए अरुणाचल प्रदेश में हिंदी या इंग्लिश चलता है, हिंदी या इंग्लिश कोई एक रहना चाहिए। मणिपुर में मणिपुरी चलता है, मेघालय में हिंदी या इंग्लिश चलता है, मिजोरम में मिजो चलता है, ठीक है, नागालैंड में हिंदी या इंग्लिश, त्रिपुरा में बंगाली चलता है। ठीक है, जो बंगाली वेस्ट बंगाल का लोग है वो त्रिपुरा से भी भर सकता है, लेकिन जो बंगाली नहीं पढ़ा है उसको नहीं भरना चाहिए। उसके बाद उड़ीसा में उड़िया चलता है, पंजाब में पंजाबी चलता है, चंडीगढ़ का जो एरिया हिंदी एंड इंग्लिश चलता है, जो चंडीगढ़ से भरेगा हिंदी एंड इंग्लिश जिसका रहेगा वही भरेगा। ठीक है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। राजस्थान में हिंदी चलता है, ठीक है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, राजस्थान में कौन सा लैंग्वेज चलता है, सोचता है राजस्थानी चलेगा, नहीं, राजस्थान में हिंदी चलता है, तो जो बिहार का लोग है वो सब भी वहाँ के जा के भर सकता है, बिहार यूपी मध्य प्रदेश, ठीक है, दिल्ली का लोग, वो लोग भी जा करके राजस्थान से भर सकता है फॉर्म। तमिलनाडु में तमिल चलता है, पुडुचेरी उसी के अंडर आता है, ठीक है, माहे और यनम छोड़ करके तमिल वहाँ पे भी तमिल ही चलता है, ठीक है, यानी तमिलनाडु और पुडुचेरी में
तमिल चलता है, ठीक है। तमिलनाडु सर्कल से जो भरेगा उसका तमिल लैंग्वेज पढ़ा रहेगा, वो लोग यहाँ से भर सकते हैं, ही कैन अप्लाई हियर। तेलंगाना में देखिए तेलुगु चलता है, ठीक है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। तेलंगाना में तेलुगु चलता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी चलता है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में भी हिंदी चलता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बंगाल को पता है, ठीक है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश चलता है, और सिक्किम में नेपाली चलता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। वेस्ट बंगाल में ही देखिए तीन तीन लैंग्वेज लेके फॉर्म अप्लाई करना होगा। बंगाली वेस्ट बंगाल में बंगाली चलता है, तो वेस्ट बंगाल जो एरिया है, और अंडमान एंड निकोबार में हिंदी एंड इंग्लिश चलता है। तो बाहरी लोग भी अंडमान एंड निकोबार से भर सकते हैं, जो ही बिहार झारखंड से जो 10th में हिंदी पढ़ा है। तो मेजोरिटी किसका है? हिंदी का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी भाषी कैंडिडेट कहाँ कहाँ से भर सकता है, तो बिहार से भर सकता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भर सकता है, उसके बाद दिल्ली से भर सकता है, उसके बाद हरियाणा से भर सकता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से भर सकता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया जो है वहाँ से भर सकता है, जैसे हिंदी भी चलता है वहाँ से भी भर सकता है वो, झारखंड से भी भर सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से मत भरिएगा, या इतना ही एरिया काफ़ी है, ठीक है, इतना ही सर्कल काफ़ी है। बहुत सारे सर्कल है जिसमें हिंदी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदी है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हिंदी एंड इंग्लिश चलता है, तो बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट से भी भरता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से भरता है, मेघालय से भरता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पंजाब जो चंडीगढ़ का एरिया है हिंदी एंड इंग्लिश चलता है वहाँ पे, उसके बाद राजस्थान में हिंदी चलता है, ठीक है। मेजोरिटी देखिए कितना, उत्तर प्रदेश में हिंदी चलता है, उत्तराखंड में भी हिंदी चलता है, वेस्ट बंगाल का जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश चलता है, तो ये मेजोरिटी है। तो आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तब जाके फॉर्म भरिएगा। ये नहीं कि कोई भी लैंग्वेज पढ़े हैं 10th में और कहीं से भी भर दिए, तो वहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज आपका अच्छा है, दिमाग लगाना, अभी साइकिल 6 आने वाला है, तो अभी अभी से रेडी हो जाइए, ठीक है। और जो जो लोकल लैंग्वेज है आपको दिमाग लगाना, हमको कहाँ से भरना है, कौन सा डिवीजन से भरना है, पहले तो सर्कल चेक कहाँ से भरना है। आपका टेंथ में जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्कल चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग जितना परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन चूज करना है कि हमको कहाँ से भरना है कि जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पहला आपका फोकस होना चाहिए आपका टेंथ में कौन सा लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, दूसरा आपका कौन सर्कल से भर रहे हैं, तीसरा आपका कौन डिवीजन से भर रहे हैं, ठीक है, चौथा आपका कितना परसेंटेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज है तो आप यूपी बिहार से भरिए, थोड़ा कम परसेंटेज है तो छत्तीसगढ़ वगैरह से भर दीजिए, मध्य प्रदेश से, लेकिन वहाँ भी अभी बहुत कट ऑफ जा रहा है, तो आपको दिमाग लगा के फॉर्म भरना है, ठीक है। कहीं कहीं बिहार में भी बहुत कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म भरने के टाइम आपको दिमाग लगा के फॉर्म भरेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी सिलेक्शन होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पूछिए, ठीक है, सॉल्यूशन देंगे। अभी साइकिल 6 आ रहा है तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं एंड कर देते हैं, बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट करिए।